गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा कोचिंग क्लासेस। जैसे कि एसएससी एमटीएस की फाइनल कट ऑफ को लेकर के आज हम लास्ट वीडियो बना रहे हैं और ये लास्ट वीडियो रहने वाली है। जैसा कि मैं आपको बता दूं सभी को कि 5 मार्च को इसका रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है और ये रिजल्ट 100% डिक्लेयर हो जाएगा। कुछ छात्रों का ऐसा भी था कि रिजल्ट कब आएगा, कब नहीं आएगा, या फिर 5 मार्च को ही आएगा, पर 5 मार्च को आएगा ऑफिशियली बता दिया है। तो हम डिटेल्ड एनालिसिस करने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस के ऊपर कि क्या कट ऑफ कहाँ की रहने वाली है। जैसा कि मैं अभी सबसे पहले कैटेगरी वाइज आपका एनालिसिस दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताता हुआ चला जाऊंगा, ठीक है। तो देखिए, जो एज ग्रुप है 18 से 25 और 18 से 27, इसके लिए मैं बता रहा हूँ एज ग्रुप, ओबीसी कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ, ध्यान रखें हर एक कैटेगरी के लिए बताऊंगा। ओबीसी कैटेगरी में 18 से 25 एज ग्रुप में 4214 स्टूडेंट है, 4214, और 18 से 27 वाले एज ग्रुप में 1098 स्टूडेंट है। टोटल स्टूडेंट ओबीसी के जो क्वालिफाइड है वो है 5313, ठीक है, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आए, ठीक है। इसमें से करीब 4000 ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिया है, ठीक है। अब वैकेंसी का 1/3 यानी कि 1:3 में इनको बुलाया गया था, ये चीज आपको पता होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं साथ ही में आपको बता दूं कि किन रीजन में क्या कट ऑफ रहने वाली है, जिससे कि आपको सारे के सारे डाउट्स, जो भी सारी चीजें हैं, आपको क्लियर होती चली जाएंगी स्टेप बाय स्टेप, जो कि मैंने एनालिसिस करके कर आपके सामने मतलब अपने सामने रख रखा है, ठीक है स्टूडेंट्स, कि क्या कट ऑफ रहने वाली है और क्या कट ऑफ नहीं रहने वाली है। अब देखिए, मैं कट ऑफ बताने जा रहा हूं आपको। सबसे पहले जो मैं बताने जा रहा हूं कट ऑफ आपको 18 से 25 ग्रुप में बताने जा रहा हूं कि क्या क्या कहां कहां के कितने कट ऑफ हो सकती है और वैकेंसी वहां कितनी है और कैंडिडेट अवेलेबल कितने हैं, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा। एज 18 से 25 ग्रुप वालों के छात्रों के लिए मैं बताने जा रहा हूं कि क्या कट ऑफ रह सकती है। ध्यान रखिएगा, मैं पहले ही ओबीसी की कट ऑफ बता रहा हूँ छात्रों, ओबीसी की कट ऑफ बता रहा हूँ। तो देखिए, बिहार यहाँ पे कैंडिडेट अवेलेबल है 64, कितने हैं 64, 18 से 25 ग्रुप की बात कर रहा हूँ, ओबीसी के कैंडिडेट कितने अवेलेबल है 64, वैकेंसी कितनी है 32, और यहाँ की कट ऑफ 89.81 ये हो सकती है, ठीक है स्टूडेंट्स। यूपी, यहाँ जो कैंडिडेट्स अवेलेबल है 344, कितने हैं 344 है, और वैकेंसी है 172, तो यहाँ की कट ऑफ 85+, ठीक है 85+। ऐसे ही झारखंड की बात करूं तो यहाँ कैंडिडेट अवेलेबल है 10 और वैकेंसी है 5, ओबीसी की बता रहा हूँ 89, ठीक है। ओडिशा की कैंडिडेट अवेलेबल है 12 और आपकी वैकेंसी है 6 और कट ऑफ यहाँ की 87। ऐसे ही आपका मैं बताते जा रहा हूँ, ध्यान रखें। वेस्ट बंगाल 83, 84 ले लेते हैं राउंड फिगर में 84, क्योंकि वैकेंसी है 219, ठीक है, वैकेंसी है 219 और आपके कैंडिडेट अवेलेबल है 438, ठीक है स्टूडेंट्स। केरला में 86, क्योंकि वैकेंसी है 28 और कैंडिडेट्स अवेलेबल है 56। आपकी दिल्ली में 80, देखिए वैकेंसी यहाँ थोड़ी सी ज्यादा है दिल्ली में, तो यहाँ का आपको शॉकिंग मिल सकता है, कैंडिडेट्स अवेलेबल है आपके 900, कितने हैं 900 और वैकेंसी है आपकी 801, तो यहाँ की जो कट ऑफ है देखिए वैसे तो कम जाने के चांस हैं, करीब 84 के आसपास, पर मान के चलिए कि और इंक्रीज हो सकती है, मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। राजस्थान में 88, क्योंकि यहाँ वैकेंसी है 44 और कैंडिडेट्स अवेलेबल है 88, ठीक है स्टूडेंट्स। हरियाणा, हरियाणा की बात करूँ मैं तो हरियाणा में आपके 95, क्योंकि वैकेंसी है यहाँ पर 5 और कैंडिडेट्स हैं यहाँ 15, तो 95 का मतलब है 90+ वाले का ही सिलेक्शन होगा, जाहिर सी बात है। अब इसमें से कुछ रीजन वैसे भी आएंगे, ध्यान रखिएगा मैं क्यों बता रहा हूँ ऐसा क्यों, ठीक है। हिमाचल प्रदेश 86, क्योंकि वैकेंसी 9 है और कैंडिडेट है 18। तेलंगाना 84, क्योंकि वैकेंसी 132 है और कैंडिडेट है 264, इन चीजों का ध्यान रखना है आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बात कर लेते हैं आपका तेलंगाना हो गया है ना, मैं बता रहा हूं ध्यान रखिएगा थोड़ा सा,
हाँ पंजाब, पंजाब में 87 क्योंकि वैकेंसी है 8 और आपके कैंडिडेट हैं 16 अवेलेबल। आपके आंध्र प्रदेश, यहाँ की 90 के आसपास जाएगी क्योंकि वैकेंसी 3 है और कैंडिडेट 9 अवेलेबल है यहाँ के लिए। तो और गोवा की 84 क्योंकि वैकेंसी 2 है और आपके जो कैंडिडेट है 6। यानी कि देखा जाए एज 1827 के ग्रुप में, सॉरी 25 के ग्रुप में दिखाया गया 2244 स्टूडेंट है जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं 1827 के ग्रुप के बारे में बात कर रहा हूँ। जब 1827 का ग्रुप आ जाएगा, बिहार में 89 क्योंकि वैकेंसी 9 है, कैंडिडेट 18 है। यूपी में 85 क्योंकि वैकेंसी 20 है, कैंडिडेट 40 है। ओडिशा में 86 क्योंकि कैंडिडेट 5 है और वैकेंसी 5 है, कैंडिडेट 10 है। वेस्ट बंगाल में 83 क्योंकि वैकेंसी 10 है और 84 क्योंकि वेस्ट बंगाल में 84 क्योंकि वैकेंसी 10 है और आपके कैंडिडेट 20 हैं। ऐसे ही केरला में 86 क्योंकि जो वैकेंसी है 28 है और आपका कैंडिडेट 56 है। छत्तीसगढ़ में 84 क्योंकि वैकेंसी 1 है, कैंडिडेट 3 है। आप सुनते जाइएगा ध्यान से। और तेलंगाना, देखिए यहाँ पे एक चीज मैं बता दूँ आपको, चंडीगढ़, चंडीगढ़ की 94 क्योंकि वैकेंसी 2 है और कैंडिडेट 6 है, तो हाईएस्ट वाले को ही ऑप्ट किया जाएगा जैसा कि मैंने आपको बताया। इसमें टोटल कैंडिडेट आपके कितने हैं वो सारी चीजें आपको मैं डिटेल से बता रहा हूँ। इसमें आपका जो एज ग्रुप 1825, जैसे कि 1825 वाला ग्रुप, 1827 वाले ग्रुप में टोटल जो वैकेंसी हैं उनका मैंने आपको बता दिया है। अब बात कर लेते हैं यूआर के लिए। तो यूआर के लिए और आपका देखा जाए तो 1825 ग्रुप में है 7000 के आसपास और 1827 ग्रुप में है 1310 स्टूडेंट। ठीक है, अब इसमें मैं बताता हूं आपको जनरल ग्रुप के लिए। तो देखिए जैसा कि ये मैंने आपको वैकेंसी बताई कहाँ कैंडिडेट कितने कितने अवेलेबल हैं, उस चीज़ में थोड़ा सा आप वो चेंजिंग कर लीजिएगा कि जो कैंडिडेट आपके ओबीसी वाले नहीं थे उसमें सारे ही टोटल कैंडिडेट जो मतलब ओबीसी के भी थे जो मैंने पहले बताया, ऐसे ही जनरल वालों के लिए जो मैंने आपको कट ऑफ शो करी है वो ऑल ओवर शो की है। ऐसा नहीं वो कि और अदर कट की ओबीसी या जनरल एससी एसटी। तो जो कट ऑफ बताई है मैंने आपको, जनरली देखा जाए तो चाहे आपका तेलंगाना हो, जैसे मैं एक बार स्टेट वाइज आपको बता दूं कि जहाँ के ये ओडिशा हो गया या केरला हो गया या फिर दिल्ली हो गया, राजस्थान, ये जो रीजन है इनमें एक बार को देखिए कट ऑफ कम जाने के चांस कब, दिल्ली में तो खैर कम जाने के चांस इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पे हर किसी को जॉब चाहिए दिल्ली में आगे प्रिपरेशन के लिए। तो आपके मन में ये डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि दिल्ली में सिलेक्शन उसी को मिलेगा जिसको 3 से 5 नंबर की लीड है। अदरवाइज किसी स्टूडेंट के जिसके मार्क्स 1 नंबर 2 नंबर की लीड है तो वो जिसके साउथ में रीजन है उनमें उनका सिलेक्शन हो सकता है, जैसे कि तेलंगाना हो गया या फिर केरला हो गया, आंध्र प्रदेश, गोवा, इस इनमें उसका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल चांस है उसके। बट अगर वो बात करता है चंडीगढ़ मिल जाए, बिहार मिल जाए, यूपी मिल जाए, उत्तराखंड मिल जाए, दिल्ली मिल जाए, तो यहाँ की कट ऑफ जाहिर सी बात है बढ़ेगी बढ़ेगी, 3 से 5 नंबर, हो सकता है 2 3 नंबर भी बढ़े, बट 5 नंबर मैक्सिमम ही बढ़ेगी। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल हवा हो जाए कट ऑफ। तो वैकेंसी जहाँ ज़्यादा है वहाँ कट ऑफ कम रहेगी, बट ऐसा कहोगे भाई दिल्ली में तो कट वैकेंसी इतनी सारी, पर दिल्ली में कंपटीशन भी तो है, सीजीएल आधी से ज़्यादा सीटें, एसएससी की सीटें दिल्ली वाले खा जाते हैं 50%, तो कंपटीशन वहाँ टफ है। तो देखा जाए तो मान के चलिए कट ऑफ कहीं ना कहीं जो वेरी करेगी वो नीचे वाले जो रीजन है उनमें बहुत ही डाउन साइड रहेगी, और जो हॉट स्पॉट है वहाँ की कुछ आपको सरप्राइज करने वाली है। तो आप इन चक्करों में बिल्कुल ना पड़े कि आप और भी वीडियोस देखें, मैंने आपको इसलिए बता दी ये भी कि ये इतनी जाने के चांस हैं। आप कहोगे कहीं की तो इतनी गई, आपने तो 95 बता दिए, कहीं आपने 94 बता दिए, कहीं 89 बता दिए, वो देखिए मैंने इसलिए बताई है कि मैक्सिमम अगर आपके इतने हैं तो सिक्योर है आपकी जॉब तो पक्की है।
दिल्ली की इतनी कम बताई थी, इसका मतलब ये नहीं है कि दिल्ली की वैकेंसी के अकॉर्डिंग बताया था मैंने। तो वैकेंसी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फुल एंड फाइनल ये समझिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये कि आपके पास 3 से 5 नंबर की लीड है तो दिल्ली भी मिलने के चांस है। और जो वहाँ पे 2 वैकेंसी 3 वैकेंसी है वहाँ की कट ऑफ तो आपको सरप्राइज करेगी करेगी, 95% 90 तक आपको मिलने के चांस नहीं। ठीक है, और अभी भी आपके मन में कोई डाउट है या कोई और इसके रिगार्डिंग, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।